प्रथम तहलका न्यूज। पलवल में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में प्रदेश भर के अनाज मंडियों के सभी आढ़तियों ने मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में शुक्रवार को पलवल जिले के सैकड़ों आढ़ती अपने हाथों में काले झंडे लेकर लघु सचिवालय पर इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इन अध्यादेशों को वापस लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ADC को एक ज्ञापन भी सौंपा। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया ने कहा कि हरियाणा सरकार हरियाणा की अनाज मंडियों के सभी आढ़तियों और किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सरकार द्वारा ये जो फरमान जारी किया गया है, अनाज मंडियों की बजाय किसान अपनी फसल को बाजार में बेच सकता है, ये बिल्कुल सरासर गलत फरमान है और इस काले कानून का कड़ा आढ़ती विरोध कर रहे हैं। जो हमारी खिलाफ आई है, जो किसान और आढ़ती मजदूर बुनियादी के सबके लिए विरोधी है। इस बिल के लिए जो हमारी मंडी में खरीद होती है उस पर तो टैक्स डाल रहे हैं और जो बाहर खरीदेगा उस पर कोई टैक्स नहीं। ये उल्टा सिस्टम जो चलाया है वो उसके खिलाफ है। इसमें हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़, हिमाचल के भी MP हो गया स्टार्ट, तो वो सिस्टम उनके सामने पूरे सांकेतिक हड़ताल है आज एक दिन की। इसके आगे हमारी क्या रूपरेखा तैयार होती है, ऊपर से हमारे प्रधान अशोक गुप्ता जी देंगे आदेश। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया ने कहा कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने लागू किए हैं उससे किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी सभी तबकों को भारी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस कानून के अनुसार जिनके पास पैन कार्ड है वो मंडी से बाहर किसान की फसल को खरीद सकता है, जिस पर किसी भी तरह का सरकारी या गैर सरकारी शुल्क नहीं है और न ही इस पर सरकार का कोई कंट्रोल होगा, जिससे कि किसानों की फसलों को औने पौने दामों में खरीदा जाएगा। जबकि हरियाणा में सुदृढ़ मंडी की व्यवस्था है, जहां पर सरकारी अधिकारियों की निगरानी में बोली सिस्टम किसान की फसलों की किसान के सामने उच्चतम बोली लगाकर खरीदी जाती है। आढ़ती किसान की फसल को आवश्यक हो तो सुखाता है, उसे साफ करता है, फिर उसकी ढेरी बनाकर व्यापारियों को बुलाकर उसकी बोली लगवाता है, किसान के फसल की गुणवत्ता की पूरी वकालत करता है ताकि उससे अधिकतम मूल्य प्राप्त हो। किसान को उसके फसल के भुगतान की 100% की गारंटी आढ़ती की होती है। ये तो सरकार से मतभेद पैदा हो जाएंगे। जो इन्होंने कानून बनाया है ये किसान विरोधी भी, ना कि आढ़तियों की। इसमें किसानों की फसल को, उनको किसान को नहीं पता कि ये माल कहाँ बेचे, आढ़ती के पास बेचा है या बाहर बेचे। वो कहते हैं बाहर जो खरीदेगा एक पैन कार्ड की जरूरत है और जो मंडी में रहेगा उस पर टैक्स है। ये जो असली कलेश ये है, क्योंकि कर्नाटक में 35 BJP सरकार है, 35 पैसे की मार्केट फीस है और हमारे यहाँ 4 रुपये की फीस। ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, आपस में बनाने के लिए तैयार है, मतलब बाकी अभी किसान हमारे साथ है, सारी हड़ताल में हमारे साथ है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं जो आपने ज्ञापन दिया, तो आपका आगे का कदम आगे क्या होगा? हमारा ऊपर से जो आदेश आएगा हम उस अनुसार रूपरेखा हमारी ऊपर से तैयार होती है। जो चीज़ होगी, हड़ताल, अनशन जो भी किया जाएगा वो हम करेंगे। आढ़तियों का कहना है कि अगर किसान अनाज मंडी में अपनी फसल को लेकर नहीं आएगा तो अनाज मंडी के पूरे प्रदेश के आढ़तियों का कारोबार भी चौपट हो जाएगा और अगर सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देगी तो आगे आढ़ती सरकार के साथ आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे। प्रथम तहलका के लिए पलवल से सौरभ वर्मा की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।